Hello student, how are you all? Welcome back to Equal Smart Classes. I am Anup Dhiman. अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं, तो सबसे पहले आप लोग हमारा जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब करें. और आज मैं बात करूंगा मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 से, दैट इज रियल नंबर, क्लास 10th में जो आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर है. क्लियर बात है? तो सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा समझना होगा, बेसिक कंसेप्ट हम लोगों को समझने होंगे. तो सबसे पहले मैं बात करता हूं इस चैप्टर में लेमा को लेकर. तो लेमा क्या चीज होती है, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं. लेमा इज अ ट्रू स्टेटमेंट विच इज यूज्ड एज द बेसिस ऑफ टेस्टिंग ऑफ द ट्रूथनेस ऑफ द अनदर स्टेटमेंट. इट मींस लेमा एक ऐसा स्टेटमेंट है जो ऑलरेडी ट्रू है. इट मींस ये ऑलरेडी प्रूव्ड स्टेटमेंट होता है जो अनदर स्टेटमेंट को ट्रू प्रूव करने के लिए यूज किया जाता है. मतलब ये ऑलरेडी एक ट्रू स्टेटमेंट है जिसको अनदर स्टेटमेंट की टेस्टिंग करने के लिए हम लोग यूज करते हैं. क्लियर बात है? तो यहां पर हम लोग जो पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा. तो ये यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है समझते हैं इसको. अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर विच सेटिस्फाई द गिवन रिलेशन. इट मीन्स इस यूक्लिड डिवीजन लेमा का मतलब क्या है, ये कहता है कि अगर आपके पास कोई भी दो इंटीजर है वो भी कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए. क्लियर बात है? अगर आपके पास कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर है ए एंड बी, तो उन दो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ऑलवेज टू अनदर पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करते हैं क्यू एंड आर, जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं, दैट इज ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर. और यहां पर कंडीशन है जो आर है वो ऑलवेज जीरो से ग्रेटर भी हो सकता है, जीरो के इक्वल भी, बट बी से ऑलवेज लेस होगा. क्लियर बात है? तो किसी को कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके हमसे पूछ सकते हैं. क्लियर बात है? तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लेमा, लेमा एक ऑलरेडी ट्रू स्टेटमेंट होता है जो अनदर स्टेटमेंट की ट्रूथनेस को चेक करने के लिए यूज करते हैं हम लोग. यूक्लिड डिवीजन लेमा बताता है कि अगर आपके पास कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो उनके लिए अनदर दो पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं. अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. लेट कंसीडर एग्जाम्पल ए इज इक्वल्स टू, कंसीडर कर लेते हैं 80 एंड बी इज इक्वल्स टू 23. ए को ऑलवेज आप क्या करेंगे, बी से ग्रेटर लेंगे, या फिर आपके पास कोई भी दो नंबर होंगे उनमें से बड़े वाले नंबर को ए कंसीडर करेंगे और छोटे वाले नंबर को हम लोग बी कंसीडर करेंगे. तो यहां पर देखो, सबसे पहले जब भी आपके पास दो नंबर होंगे तो आप क्या करेंगे, उन दोनों नंबर को डिवाइड करेंगे. 23 से 80 को डिवाइड करेंगे तो आएगा, दैट इज 11, रिमाइंडर बचेगा 3 क्वेश्चन आएगा. तो यहां पर जब भी आपको इन दोनों नंबर को इस फॉर्म में लिखना है, मतलब यूक्लिड डिवीजन लेमा की फॉर्म में लिखना है, तो आप क्या करेंगे, आपको पता होगा कि डिविडेंड जो होता है वो ऑलवेज डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर के इक्वल होता है. दैट इज डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर. तो जब आप इसे कंपेयर करेंगे ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर सी, तो ए के प्लेस पर कौन आएगा 80, बी के प्लेस पर कौन आएगा 23, और यहां पर Q के प्लेस पर कौन है 3 और R के प्लेस पर कौन है 11. मैंने कहा था कि जो R है, R आपका 0 से ग्रेटर होना चाहिए और B से लेस होना चाहिए. बिल्कुल क्लियर बात है, 0 से ग्रेटर है R और B से लेस है. तो ये हमारा है यूक्लिड डिवीजन लेमा. क्लियर बात है ना? तो इसके बाद हम लोग अभी बात करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को लेकर. अब हम बात करते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को लेकर. तो एल्गोरिथम सबसे पहले समझ लेते हैं कि एल्गोरिथम क्या होता है. एल्गोरिथम होता है एक प्रोसेस किसी भी वर्क को करने का, किसी भी वर्क को करने के जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होते हैं उसको एल्गोरिथम बोलते हैं. तो यहां पर हम लोग बात करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की. तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इज व्हाट, इट इज अ प्रोसेस व्हिच इज यूज्ड टू फाइंड आउट द एचसीएफ ऑफ द गिवन टू पॉजिटिव
इंटीजर्स मतलब जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है वो यूज होती है टू फाइंड आउट द एचसीएफ ऑफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। मतलब इसमें हम लोग यूज करने वाले हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा को। क्लियर बात है? तो हम लोग वो स्टेप भी देख लेते हैं जो स्टेप हम लोग फॉलो करेंगे किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स का एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए। तो स्टेप्स है हमारे पास यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की। तो स्टेप वन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो दो गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे ए एंड बी, हम लोग उन दोनों ए एंड बी के ऊपर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन ए एंड बी एंड गेट क्यू एंड आर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे ए एंड बी पर यूक्लिड डिवीजन लेमा, जैसे कि अभी हमने हमको समझाया ना। तो यहां से फाइंड आउट कर लेंगे बी एंड आर की वैल्यू। जैसे हम बी एंड आर की वैल्यू फाइंड करेंगे देन हम स्टेप टू पर जाएंगे और स्टेप टू पर हम चेक करेंगे क्या ये जो आर की वैल्यू है क्या ये जीरो है, क्या ये जीरो है, देन क्या करना है, और अगर ये जीरो नहीं है देन क्या करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं स्टेप टू में, इफ आर इज इक्वल टू जीरो देन बी इज द एचसीएफ ऑफ दी ए एंड बी। मतलब अगर ये आर जीरो है तो ये जो बी है ये एचसीएफ बन जाएगा। क्लियर बात है? और अगर ये आर जीरो नहीं है तो अप्लाई करना होगा इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा ऑन बी एंड आर। मतलब इस बी एंड आर, अगर आर जीरो नहीं है तो बी एंड आर के ऊपर इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा अगेन अप्लाई करेंगे और ये प्रोसेस स्टेप थ्री में देखो आप लोग तब तक कंटिन्यू होता रहेगा जब तक हमारा रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा। अब ये जो एल्गोरिथम है आप लोगों को ऐसे समझ में नहीं आएगी, इसीलिए हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। क्वेश्चन है हम लोगों के पास फाइंड द एचसीएफ ऑफ दी 4, 55 and 42। तो 4, 45 and 52 का हमें क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। तो जब भी आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके एचसीएफ फाइंड करना होगा तो सबसे पहले आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से एचसीएफ फाइंड आउट करके रखेंगे हम लोग। तो यहां पर 42 से आप डिवाइड करेंगे 455 को, 10 का चल जाएगा 440, 420 एंड 35 रिमाइंडर बचेगा। 35 से क्या करना, इस 42 को अगेन क्या करेंगे आप लोग यहां कैरी करेंगे, 42 को इससे डिवाइड करेंगे। मैंने कहा था कि रिमाइंडर जीरो नहीं आया तो बी एंड आर के ऊपर अप्लाई करेंगे, तो यहां कैरी कर लेंगे हम इसको। क्लियर बात है? लॉन्ग डिविजन मेथड से जैसे एचसीएफ हम लोग फाइंड आउट करते हैं, फिर से डिवाइड करेंगे 1 जा 7। अब 32, 35 को अगेन क्या करेंगे, कैरी करेंगे यहां पर और 7 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर आ जाएगा जीरो और स्टॉप करेंगे प्रोसेस को। मैंने कहा जैसे रिमाइंडर जीरो आया तो एचसीएफ बन जाता है बी, दैट इज डिवाइजर। तो बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम तो अप्लाई करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा इन दोनों नंबर्स पर, इन दोनों नंबर्स पर। तो यहां पर करना क्या है कि स्टेप बाय स्टेप हम लोग यूक्लिड डिवीजन जो लेमा है वो यूज करेंगे। तो हमारा पहला स्टेप होगा कि हम इन दोनों, दैट इज देखो ये डिविडेंड और ये डिवाइजर, इन दोनों के ऊपर अप्लाई करते हैं। और यहां पर ये स्टेटमेंट मैंने कैसे लिखा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो यहां पर है हमारा डिविडेंड, डिविडेंड है ये, डिवाइजर इनटू क्वोशेंट, डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, प्लस रिमाइंडर। अब आर जीरो नहीं है, ठीक है। सेकंड स्टेप देखो, पहला स्टेप यहां से, सेकंड यहां से और थर्ड यहां से आएगा। अब अप्लाई होगा इन दोनों के ऊपर बी एंड आर, ये बी है हमारा और ये आर है। तो यहां भी क्या करेंगे, 42 इज इक्वल टू 35 इंटू 1 प्लस 7। तो ये लिखा 42 इज इक्वल टू 35 इंटू 1 प्लस 7, आर अभी भी जीरो के इक्वल नहीं है। फिर से अप्लाई करेंगे थर्ड वन स्टेप, 35 इज इक्वल टू 7 इंटू 5 प्लस 0, 35 इक्वल टू 7 इंटू 5 प्लस 0। इस बार रिमाइंडर जीरो, और जैसे ही रिमाइंडर जीरो आएगा ये जो बी है, बी ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो ये जो बी आप लोग देख रहे हैं यही हमारा क्या बन जाएगा, एचसीएफ बन जाएगा। मतलब यहां पर जो रिक्वायर्ड एचसीएफ होगा वो हमारे पास 7 होगा। तो ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, जब भी हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना होगा, क्वेश्चन के अंदर मेंशन आता है क्लास 10th में कि आप लोगों को जो एचसीएफ फाइंड करना है बाय यूजिंग द यूक्लिड डिवीजन लेमा करना है, और वी कैन से बाय यूजिंग द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम करना है। तो आप कभी भी डायरेक्ट एचसीएफ फाइंड नहीं करेंगे अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा से ही क्वेश्चन करना है। क्लियर बात है?
आज इस वीडियो में इतना ही करते हैं, और एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूं, अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और हमारी वीडियो को लाइक करें, और आप लोगों को ऐसे ही हम लोग इजी वे में हम लोग प्रोसेस करेंगे कि सारे क्वेश्चन को हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड करें। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझाएंगे आप लोगों को कि कैसे हम इस चैप्टर के क्वेश्चन जो है वो क्या। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नाउ द एक्सरसाइज क्वेश्चन विल बी प्रोवाइडेड इन द नेक्स्ट वीडियो।